Good morning, students. Today we will start with the new topic. Don't be worried about that. Whatever is the practice related with magnetism and electromagnetic induction, of course, we will be having that practice session. I will be giving you some problem solving practice. Don't worry about that. But beta, as per the time is considered, time is concerned, अपना तो सिलेबस डिलीट हो चुका है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट डिलीट किया है, लेकिन अपने नॉलेज किए तो वो पॉइंट अब अपने को लेना ही चाहिए ना. ऐसा नहीं हो सकता कि वो पॉइंट आप छोड़ दो पूरा, उसका पढ़ाई मत करो, ऐसा नहीं हो सकता. वो पॉइंट कहीं तो कहीं फिजिक्स में अपन को यूज होने वाले हैं. तो वो टाइम जो अपने को मिला है उसका यूटिलाइजेशन सही में करने के लिए वी हैव टू गो इन द रिदम एज पर अवर शेड्यूल. हमारा भी शेड्यूल होता है तो उसके हिसाब से हम चलेंगे. लेकिन यू कीप इन माइंड, यू स्टडी वन बाय वन टॉपिक. अभी ये जो चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट अभी चालू हो जाएगा उसका, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा मेरे साथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू मस्ट बी विथ मी. ओके, वॉट एवर माई स्पीड इज देयर, माई रिदम इज देयर, यू मस्ट बी गोइंग विथ माई रिदम. सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अल्टरनेट करंट. तो बेटा क्या होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी? पहले अल्टरनेट का अल्टरनेटिंग वेरिंग ये क्या होता है ये देखते हैं. तो यहां पे मैथ्स में आपने फंक्शन सीखा होगा, तो फंक्शन में आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी वगैरह है आपको, है ना. तो अपन फिजिक्स में एक तो साइन फंक्शन यूज करते हैं, दूसरा फंक्शन यूज करते हैं कॉस फंक्शन यूज करते हैं. यह क्या होता है, इसको हम पीरियोडिक फंक्शन भी बोल सकते हैं. पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या? विच रिपीट्स इटसेल्फ, विच पीरियोडिक का मतलब क्या है? पीरियोडिक विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो ये जो फंक्शन है वो पीरियडिक है. तो अभी हमने साइन के लिए लिखा, तो मैंने कैसे लिख सकता हूँ? साइन थीटा तो माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू प्लस वन. कॉस के लिए भी माइनस वन लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू प्लस वन. ये इसका क्या बोलते हैं रेंज बनेगा, बराबर. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बनेगा उसका, बराबर. तो अभी क्या करते हैं, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके लिए अपन को ये अल्टरनेटिंगली वेरिंग क्वांटिटी कैसे है उसका पता करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द एग्जैक्ट एंड टोटल डीप ओवरव्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वेरिंग क्वांटिटी. पहले लेते हैं साइन फंक्शन. ओके, तो साइन के लिए मतलब साइन कॉस कौन सा भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है. इसको मैं ठीक से बना देता हूँ. बन गया अपना. यहां पे हम टाइम ले लेंगे. ओके, इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ टाइम. सो हियर वी कंसीडर ऑल अल्टरनेटिंगली वेरिंग क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे टाइम का पूरा पूरा अपन को ख्याल रखना पड़ेगा. टाइम कैसे चल रहा है उसका अपन को ख्याल रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं एक पहले अपना साइन वेव निकालता हूँ. क्या निकालता हूँ? साइन वेव निकालता हूँ. तो ये बन गया अपना साइन वेव. आई होप यू आर एबल टू रीड इट. ओके, थोड़ा सा उसको मैं ये करता हूँ थोड़ा सा. ओके, तो ये बन गया मेरा साइन. ओके, तो अभी यहां पे क्या बनेगा? यहां पे अभी आपको दिखाई देगा ठीक से. इसको मैंने ओवरराइट किया थोड़ा सा. तो इसका मैं जैसे आपको बताया था इसका मैं चार इंटरवल बनाऊंगा. यहां पे लिखूंगा जीरो,
यहाँ पे परफेक्टली लिखूंगा, यहाँ पे एक लिखूंगा पॉइंट, यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे। तो ये तो आपको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसका मैं ये बना के लिया हूँ। ये सब चीज़ मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी, जब मैंने ऑसिलेशन वगैरह सिखाया था उसी टाइम मैंने आपको ये सिखाया है। लेकिन अपन को मालूम है कि एक महीने भर बाद आप भूल जाते हो, तो इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू इट वंस अगेन। ओके, तो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप फिर से एक बार उसको नोट डाउन करके लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अपना ये जो पूरा टाइम है, ये पूरा टाइम पूरा, तो ये पूरा बन जाएगा अपना टी। सो टी इज द टाइम पीरियड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड, टी को बोलेंगे हम टाइम पीरियड। ओके, तो जीरो इसका आधा कितना बन जाएगा, टी बाय टू। यहां पे कितना बन जाएगा, उसका आधा टी बाय फोर, और टी बाय टू में और आपने टी बाय फोर ऐड किया तो कितना बनता है, टी बाय टू प्लस टी बाय फोर। ओके, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स टी बाय एट, मतलब थ्री टू जै सिक्स, फोर थ्री टी बाय फोर। तो यहाँ पे बन जाएगा थ्री टी बाय फोर, तो ये अपना इंटरवल बन गया। तो ये टाइम अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमने डिस्कस पहले क्या डिस्कस किया, हमने पहले टाइम डिस्कस किया, अभी टाइम के बाद में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो टाइम के बाद में हम डिस्कस करेंगे थीटा, थीटा एंगल। अभी एंगल कैसे चेंज हो जाएगा वो देखते हैं। हाँ मैडम, तो एंगल कैसे चेंज हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं एंगल इन रेडियन, हाँ इन रेड। ओके, तो यहां पे लिखूंगा जीरो, यहां पे आएगा पाई बाय टू, पाई थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बराबर। अब इसी को मैं आपके आगे आपको एक और भी दूसरा कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट में भी सिखाएंगे, तो इसी को हम क्या करेंगे, फेजर करके क्वांटिटी होता है वो बाद में आपको सिखाऊंगा मैं। तो अगर मैंने इस स्केल पे इसको अगर लिखा तो ये बनेगा पूरा, तो ये बन जाएगा पाई बाय टू, ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा थ्री पाई बाय टू, और ये पूरा बन जाएगा टू पाई, समझ गए। तो ये इतना अगर बन गया मेरा, ये बनेगा पाई बाय टू, इसके बाद मैंने इतना लिया अगर तो ये बन जाएगा पाई। तीसरी बात, अगर मैंने इतना ले लिया पूरा, ये एक दो तीन, तो ये बन जाएगा थ्री पाई बाय टू, और अगर मैंने पूरा के पूरा ले लिया पूरा सर्कल तो ये बन जाएगा टू पाई। तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंस इज इम्पॉर्टेंट, सेंस आपको याद रखना होगा, सेंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सेंस विल बी, योर सेंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ए सी डब्ल्यू, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये पूरा बन गया आपका, तो ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे जो दिखाएंगे ये जो मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, दोनों, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, तो इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस ए लिखता हूँ, तो अपना ए क्या बन गया, ए बन गया प्लस माइनस ए क्या बन गया अपना एम्पलीट्यूड, और उसी को बोलते हैं हम पीक वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और उसी को बोलते हैं पीक वैल्यू। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो हाउ वी डील विद द अल्टरनेटिंगली वेरिंग क्वांटिटी। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पहले डिस्कस किया मैंने टाइम पीरियड, बराबर, पहला टाइम पीरियड, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, तो वो आएगा टाइम पीरियड आपका, थीटा बन जाएगा एंगल इन रेडियन। तो अगर मैंने उसको अपने सर्कुलर के साथ कंसीडर किया, इफ आई कंसीडर जस्ट कंपेयर इट विद द सर्कुलर, इट विल बी एंगल ट्रेस्ड इन द रेडियन, तो वो बन जाएगा। तीसरी बात एम्पलीट्यूड, ये उसका एम्पलीट्यूड बन जाता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सपोज अभी क्या करेंगे, अभी आई विल सजेस्ट यू
टू नोट दिस डाउन. ओके कर दिया बेटा. तो अभी क्या करेंगे, अभी इसके आगे जाएंगे. ओके तो अभी इसके आगे क्या है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो वो सीखेंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दो तीन टाइप के वेव दिखाता हूँ. ओके ये मैंने साइन वेव दिखाया. ओके साइनोसाइडल दिखाया, तो दो तीन और टाइप के आपको वेव दिखाता हूँ. ओके सो टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स सीखेंगे. व्हाट वी विल लर्न, टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स. तो ये वेव फॉर्म्स कितने टाइप के हैं, नंबर वन हमने सीखा साइनोसाइडल. साइनोसाइडल कैसे दिखाते हैं, अभी आपको दिखाया मैंने, अभी फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ. ये जाएगा ऐसे, यहाँ पे टी आएगा. ओके अभी दूसरा करते हैं, अभी दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं स्क्वायर वेव. तो बेटा स्क्वायर वेव में कैसे दिखेगा, अपना जो स्क्वायर वेव है वह ऐसे दिखेगा. ओके वो भी वैरी करेगा, लेकिन कैसे वैरी करेगा, ये देखो ऐसे वैरी करेगा. मतलब एक तो उसको मैक्सिमम वैल्यू होगा, नहीं तो उसको मिनिमम वैल्यू होगा. एक तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, नहीं तो इसका मिनिमम वैल्यू, फिर से मैक्सिमम, फिर से मिनिमम. तो मैक्सिमम कांस्टेंट, बाद में एकदम. तो यहाँ से इसको दिखा सकते हैं, यहाँ से ये ऐसे चलेगा, ये वेव फॉर्म हो गया, इसको वेव फॉर्म बोलते हैं. तो ये ऐसे वैरी करेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड फंक्शन इट विल चेंज. चेंज मीन्स ये थोड़ा चेंज हो सकता है. तीसरा वेव हम देख सकते हैं, तीसरे वेव को बोलते हैं हम ट्रायंगुलर वेव. तीसरी टाइप की वेव है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव. तो ट्रायंगुलर वेव कैसा दिखता है, सेम इसके जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क है उसके. यहाँ पे टी लिखने को मत भूलो. ट्रायंगुलर वेव में कैसे दिखता है, ट्रायंगुलर वेव में अपन का वेव जाता है ऐसे. ओके आई होप यू आर एबल टू रीड इट. ओके आपको फिर से दिखाता हूँ, यह ऐसे जाएगा सेम अपना, मतलब साइनोसाइडल नेचर के जैसा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा. यहाँ तो ये जो पिक है, यहाँ पे उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्लोप विल बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. अभी यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, स्लोप विल बी अगेन कांस्टेंट बट निगेटिव आएगा, तो वहाँ पे उसका स्लोप कांस्टेंट और निगेटिव बन जाएगा. तो ये बन गया अपना ट्रायंगुलर वेव. ओके बाद में होता है सॉटूथ वेव. ओके सॉटूथ वेव मतलब आपको मालूम होगा, अभी साइक्लोन हुआ था, तो साइक्लोन में पेड़ जो पड़े थे उनको कट करने के लिए हम चेन सॉ यूज करते थे. चेन सॉ मालूम है आपको, चेन सॉ में क्या होता है, बटन दबाया तो एक पूरा चेन होता है और वो उसको कट कर दी थी, है ना. तो वो जो सॉ होता है आपका, वो सॉ कैसे दिखता है, एक्चुअली ऐसे दिखता है. उसका जो दांत बोलते हैं उसको, इसको दांत बोलते हैं, तो ऐसे दिखता है वो. ओके तो इसी का स्ट्रक्चर यहां पे दिखता है, इसी के लिए इसको बोलते हैं सॉटूथ वेव. तो सॉटूथ कैसे करेंगे, सॉटूथ दिखाने के लिए ऐसे दिखा सकते हैं, पहले ऊपर जाएगा बाद में वापस आएगा, फिर से यहां से ऊपर जाएगा, यहां से वापस आएगा, फिर से यहां से ऊपर जाएगा, यहां से वापस आएगा. सो दीज आर द डिफरेंट वेव फॉर्म्स विच यू आर सपोज टू स्टडी इन दिस टॉपिक. तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म इज दिस साइनोसॉइडल. ओके मेजरली वी विल स्टडी ऑल द फंक्शंस एज द साइनोसॉइडल. ओके तो ये तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है आपको, ये तो ज्यादा कभी आपको इसका जरूरत नहीं आएगा, लेकिन ये आपको पूरा इसका पढ़ाई करना पड़ेगा साइनोसॉइडल का. तो ये जो पूरा बन गया है इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म. पहले फिर से आपको बता देता हूँ, इसको बोलेंगे हम साइनोसॉइडल, इसको बोलेंगे स्क्वायर वेव, स्क्वायर के जैसा दिखेगा,
इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगल के जैसा फॉर्म करेगा, इसको बोलेंगे सॉटूथ। सॉटूथ मतलब ऊपर जाएगा डायरेक्ट वापस नीचे में आएगा, प्लस माइनस, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ये बन गया अपना सॉटूथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म्स। ओके, अब यहां पे अपन को ये क्या बताते हैं, व्हाट दीज वेवफॉर्म्स गिव अस, व्हाट इंफॉर्मेशन दे गिव यू। सो द इंफॉर्मेशन दे गिव, बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। ओके, मैं बाजू हटता हूं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, हो गया बेटा। ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं। सो व्हाट दिस वेवफॉर्म्स एक्चुअली सजेस्ट यू। ओके, तो दिस वेवफॉर्म पहले तो ये क्या बताते हैं आपको कि आपकी वेव है, आपका फंक्शन है कैसे टाइम के साथ वैरी कर रहा है, बराबर। तो दे गिव, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द इंफॉर्मेशन, दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अवर ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, ये ऑसिलेट हो रहा है ना, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी इज वेरिंग और चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ इसका बर्ताव कैसे है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट, इट गिव्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, ये क्या करता है आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी बता देता है। ओके, बाद में वी कैन टेक एवरेज वैल्यू, वी कैन टेक और वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम उसको ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू। तो बियॉन्ड पीक वैल्यू द गिवन फंक्शन विल नॉट एक्सीड, तो उसको एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, उसके आगे वो एक्सीड नहीं करेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो सपोज हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन, अब यहां पर लिख सकते हैं हम हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। तो अपना इक्वेशन कैसे बनेगा ये अपन भी सीखते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। तो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपन के पास एक क्वांटिटी लेते हैं, हाँ, और ये क्वांटिटी ऐसे इससे दिखाते हैं। ओके, और इसको कुछ एंगल लेते हैं, इसको कुछ एंगल लेते हैं। ओके, अभी ये मेरा वेक्टर ए बन गया, ये मेरा वेक्टर ए बन गया, तो यहां पे आई विल गेट, यहां पे मैं वेक्टर यहां पे बीच में दिखाता हूं, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे नहीं कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बताने का जरूरत नहीं, जैसे हम देखते हैं उसको कंपोनेंट्स बना सकते हैं, वी कैन हैव द कंपोनेंट्स। तो ए कैसे बन जाएगा, ए विल बी इक्वल टू, कैसे दिखाएंगे ए को, एकदम प्योर मैथमेटिक्स है, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप, मतलब ये क्या किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया अपने वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो अभी इसके साथ हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी को हम एक्स कंपोनेंट को ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी ए एक्स को ये जो एंगल है उसको मैं बोलता हूँ थीटा, लेकिन अभी यहाँ पे उसको हम लेते हैं ओमेगा टी। तो ये कैसे आता है ये आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे देखो, नहीं तो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर में सो अभी पहले देखो आप डिस्टेंस कैसे बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो अपना डिस्टेंस कैसे बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम बन जाएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करना, उसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे बड़ा वाला लिखता हूँ। ये तो हो गया आपका, लिख के हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको, लीनियर में मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट बनाता हूँ इसकी, इसको बोलता हूँ लीनियर और इसको बोलता हूँ एंगुलर। तो लीनियर में क्या होता है, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से x कैसे लिखते हैं, v इंटू टी। तो यहां में एंगुलर में एंगुलर स्पीड अपना ओमेगा रहता है। ओके, तो अभी ओमेगा के बारे में अगर आपको चर्चा करना है तो ओमेगा को हरदम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, बाद में लिखेंगे। तो आपको ओमेगा को याद करना होगा, ओमेगा विल बी ऑलवेज टर्म एज आइदर एंगुलर वेलोसिटी और यू मे ऑल्सो कॉल्ड एज एज अ एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये फंडा क्या है, ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं और एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये फंडा क्या है, क्योंकि हम ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π/T। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एंड हियर ओमेगा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। इसके चलते हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं और उसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम आगे चलते हैं, अभी वी विल गो फर्दर टू जस्ट स्टडी दैट। तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखते हैं अभी, उसका भी स्टडी करते अपन लोग। तो स्टडी करने के लिए क्या करेंगे अभी, ओमेगा। तो ओमेगा कितना बन जाएगा अपना, ओमेगा इज इक्वल टू आप यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पे होगा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। तो मेरा थीटा कितना बन गया, थीटा बन गया मेरा ओमेगा टी। सो नाउ ऑनवर्ड्स we will use theta as omega t। तो यहां पे मैंने theta equal to omega t लिखा, तो अभी क्या बन जाएगा, तो मेरा x component अगर मैंने लिखा यहां से, therefore ax कैसा बन जाएगा, ax is equal to a cos theta, मतलब उसका क्या बन जाएगा, ax is equal to a cos omega t। ax क्या बन जाएगा, a cos ओमेगा टी। ऑन द सेम नोट, ऑन द सिमिलर नोट, अगर मेरे को चाहिए ए वाई निकालना है, वाई कॉम्पोनेंट उसका, तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा। देखो यहां से, यहां पे कॉस बन गया, यहां पे साइन बन गया, तो ए वाई बन जाएगा मेरा ए साइन ओमेगा टी। तो ये है, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। और इसी को आगे लेते जाए तो इसी का यूज हम करते हैं फेजोर में, तो उसको बोलते हैं फेजोर। क्या बोलते हैं उसको, फेजोर। सो वी विल नाउ स्टार्ट विथ द स्टडी ऑफ फेजोर। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल एंड वी विल गो फॉर द फेजोर इन द डीप डिस्कशन। ओके, तो फेजोर क्या है अपना, तो पहले मैं वो डिफाइन करता हूं। फेजोर, तो फेजोर का मीनिंग क्या है, फेजोर एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है, वो वेक्टर है। ओके, कैसे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज
रोटेटिंग वेक्टर, इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। ये क्या करता है, आपको जो क्वांटिटी ऑसिलेट कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन देता है। तो कैसे लिखते हैं, तो लिखने के लिए, फेजर लिखने के लिए आपको एक ऐसा उसको एक्स वाई में आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो सपोज ए इज वेरिंग, फिर से मैं वही बता रहा हूं आपको, ओके ओके। तो ये कैसे चलेगा, यहां से यहां चलेगा, आगे जाके पूरा ऐसा घूमेगा। तो उसको मैं बोल सकता हूं x, इसको बोल सकता हूं y, आपके मर्जी से आप ले सकते हैं x y ऐसा, ये नहीं कुछ, खाली अपन उसको यहां पे प्लॉट किया, इसलिए इसको बोल सकते हैं आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओके। तो यहां पे अगर इफ वेव स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, तो मीन से स्टार्ट करेगा तो यहां से आएगा, देन इट हैज फाइव एज जीरो। तो फाइव मतलब क्या, फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज, और उसी को बोलते हैं एपो, एपोच, वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो फाइव है इसको बोलेंगे हम इनिशियल फेज और एपोच। तो ये फाइव है, अगर वेव अपना चालू करता है जीरो से, मीन पोजीशन से चालू करता है, तो उसको हम लिखेंगे उसका फाइव, ओके। तो शायद आपको दिख रहा होगा, ओके ओके ठीक है, मतलब दिख रहा है आपको, मैंने चेक किया। तो यहां पे इफ फाइव इज नॉन जीरो देन अवर थीटा बिकम्स, थीटा इज सॉरी हाँ या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब क्या, तो अगर अपना वेव है यहां से चालू करना चाहिए ना, तो अगर वो ऐसे ऐसे दिखता है अपन को, तो मतलब ऑलरेडी उसने चालू किया, नहीं तो ऐसे दिखेगा, तो यहां पे उसने आगे चालू किया, तो यहां पे फेज डिफरेंस रह गया। इनिशियली उसने परफेक्टली ये जो उसका मीन पोजिशन है यहां पे चालू नहीं किया टाइम के मुताबिक। तो हम जहां से उसको काउंट कर रहे हैं, जहां से उसको हम उसका स्टडी कर रहे हैं, वहां उसने परफेक्टली जीरो पे चालू नहीं किया, तो वो उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, और स्टार्टिंग के लिए उसको बोलते हैं इनिशियल फेज, ओके। तो यहां पे इसी को हम बोलेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। तो अभी देखो मेरा क्वांटिटी मैंने बनाया, क्वांटिटी को लिखा ए, ओके क्वांटिटी को मैंने क्या लिखा ए, फिजिकल क्वांटिटी जो कुछ है मेरा उसको मैंने लिखा ए। तो ये क्या बन गया, देखो ये मेरा मेन उसका जो वेक्टर है, ओके तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा ए इसका साइन। तो यहां पे थोड़ा इसको पीछे से लेता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आर गेटिंग द पॉइंट। तो किसी भी साइनसॉइडली ऑसिलेटिंग क्वांटिटी के लिए
आप फेजर लिख सकते हो. सो फेजर कैन बी अप्लाइड फॉर, सो फेजर कैन बी अप्लाइड फॉर एनी साइनसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी. तो यहां पे आई हैव एग्जैक्टली मेड सम कोरिलेशन बिटवीन माय साइनसॉइडल क्वांटिटी, उसका वेरिएशन, उसको मैंने फेजर के साथ, एक वेक्टर के साथ. सो नाउ we can treat it as a vector. ये असल में वेक्टर नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं है. जैसे अपना फोर्स है, फोर्स दिखता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंपैक्ट दिखता है, इंपल्स है, प्रेशर है, टेंशन है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, करंट, करंट एक्चुअली में होता है. तो ये जो हम उसका दिखा रहे हैं, ये वेरिएशन, ये फेज और, ये पूरा हाइपोथेटिकल है. This is purely hypothetical and mathematical. तो ये exist नहीं करता actual में, लेकिन उसका हर एक equation अगर आप देखोगे, it is valid still. It is still valid, no problem. ये अपना पूरा valid होता है. तो ये सब discussion है अपने phasor में आता है. तो phasor में क्या, मैंने आपको क्या बताया? Phasor is a anti-clockwise rotating vector. It is used for the sinusoidal ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. यहां पे लेंथ ऑफ द फेजर विल गिव द आइडिया अबाउट द पीक वैल्यू. बराबर, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यहां पे जो होगा, ओके, यहां पे जो होगा, तो ए साइन ओमेगा टी, मतलब यहां पे अगर मैंने इसको ए लिखा तो लेंथ ऑफ फेजर क्या बताएगा? तो लेंथ ऑफ फेजर आपको will give the gives information about peak value. Okay, तो ये कैसे करेंगे अभी? So I will suggest you to first note this down. Thereafter we will go for the next point. Okay, so I will suggest you to note down. Okay, so हो गया बेटा. तो अभी हमने note down कर लिया about phase on. तो अभी अपने करंट के लिए, अपने वोल्टेज के लिए ये कैसे होगा, ये हम थोड़ा सा देखते हैं. तो अपने करंट के लिए, वोल्टेज के लिए इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. तो वेट फॉर अ व्हाइल, ओके. Okay, so let us go with next point. Okay, so suppose मेरे पास करंट है जो sinusoidally vary कर रहा है. Okay, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, अभी उसका इस साइन में बन गया. Okay, तो यहां पे इसका बन जाएगा peak value. यहां पे इसका बन जाएगा peak value. Are you getting my point? तो यहाँ पे बन जाएगा, ये तो अपना बनते जाएगा पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, ये तो आपको पूरा हर टाइम निकालना ही पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे मैं निकाल के लेता हूँ, जीरो पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू एंड टू पाई, इसको टी बोलते हैं. तो ये जो हो गया, इसको बोलेंगे पीक वैल्यू. ओके, ये कितना बनेगा? तो ये पीक वैल्यू है. तो अगर मेरा करंट है, सो दिस इज करंट है, तो करंट के लिए मैं कैसे लिख सकता हूं अभी? I इज इक्वल टू, करंट के लिए कैसे लिख सकता हूं? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. कंसिडर दैट
initial phase is zero. Suppose since phi is equal to zero, तो ओमेगा टी प्लस फाइव उसको नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, आई जस्ट स्टार्टेड विथ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, तो यहां पे इसको बोलते हैं पिक वैल्यू, पिक वैल्यू. ओके, ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं, मैं बोला था आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अगर मैंने पूरा लिया ओमेगा टी ये लिया तो उसको फेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेज. और फाइ को बोलते हैं इनिशियल फेज और एपोच. तो ये हमने पूरा उसका ये किया, एनालिसिस किया. तो अभी हम इसी को कंपैरिजन करें फेजोर से, तो कैसे बनेगा देखते हैं अभी. तो इसका अगर फेजोर लिखना है, मेरे को फेजोर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा. तो यहाँ पे मैंने मेरा डायग्राम चालू किया, तो यहाँ पे मेरा आई दिख जाएगा. ओके, ये कितना बन जाएगा ओमेगा टी, ये बन जाएगा आई. ओके, तो आई मतलब ये पिक वैल्यू बता रहा है ना, मतलब इसको बोलेंगे हम आई नॉट. ये जो यहाँ पे दिखता है ना आपको पिक वैल्यू, वो दिखेगा आपको. तो ये जो पार्ट होगा ये क्या बन जाएगा आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी. अगर कॉस के टर्म में लिखोगे आप तो ये बन जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी. तो अभी अपन ने लिया है साइन के लिए, तो अपन उसका साइन के लिए उसका यूज करें. और ये रोटेट कैसे करेगा, यहां से यहां चलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो यहां से जीरो, तो यहां पे कितना आएगा पाई बाय टू, यहां पे कितना आएगा पाई, यहां पे आएगा थ्री पाई बाय टू, और यहां पे आएगा आपका टू पाई. प्योर मैथ्स है, पूरा मैथ्स है इसमें, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ इधर उधर करने का जरूरत नहीं है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्चुअली हाउ द फेजर लुक्स. तो अगर फॉर, अगर मेरे को ईएमएफ के लिए लिखना है और फॉर वोल्टेज लिखना है, अगर मुझे वोल्टेज के लिए लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, नहीं तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. समझ गए बेटा, आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, आर यू एंजॉय. ओके, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर डोंट हेजिटेट, you ask your queries to me on my WhatsApp. Okay, and at the doubt session also you may ask your queries. So don't be possessive about anything, matlab feel free to ask anything. Okay, chalo to aage jaate hain. Abhi isme do type ke value aate hain. Okay, do type ke value aate hain. तो उसमें एक वैल्यू का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, ज्यादा कुछ उसमें करने का जरूरत नहीं है, बाद में एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज आई विल गिव यू द आइडिया. तो यहां पे आरएमएस वैल्यू ये भी लिखी जाती है, तो इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर. इसी को बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वेयर, लेकिन यहां पे उसका डायरेक्टली इंपैक्ट यूज नहीं हम करते हैं, खाली उसका फॉर्मूला लिखते हैं. तो यहां पे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पिक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, रिलेशन बिटवीन पिक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू. ओके, तो पिक वैल्यू कैसे लिखेंगे, I नॉट विल बी माई पिक वैल्यू, और RMS वैल्यू को मैं लिखूंगा, आई विल राइट RMS वैल्यू एज I RMS, ये बनेगा मेरा RMS वैल्यू. तो अभी अगर ये पिक वैल्यू और ये RMS वैल्यू है, तो रिलेशन क्या बनेगा वो अभी हम ट्राई करेंगे, रिलेशन क्या बनता है वो अभी हम देखेंगे. ओके,
तो रिलेशन अपना बनता है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू. सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये एकदम ध्यान में रखना ही चाहिए. दिस विल ऑलवेज मेक यू इन प्रॉब्लम अदरवाइज. और इसी को लिख सकते हैं हम आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू आई आर एम एस. तो ध्यान में रखने के लिए ऊपर का पहले वाला ध्यान में रख रहा हूँ, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू. तो इसके चलते मैं क्या कर सकता हूँ, रिलेशन कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो आर एम एस इज इक्वल टू पिक अपॉन रूट टू. आर एम एस कैसे बन जाएगा, आर एम एस बन जाएगा आर एम एस इज इक्वल टू पिक अपॉन रूट टू. तो कौन सा भी लिया आपने तो वो उसका चल सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वी आर एम एस आपको निकालना है तो वी आर एम एस निकालना है तो आप लिखोगे वी नॉट अपॉन रूट टू. ई आर एम एस लिखना है आपको तो आप क्या लिख सकते हो, ई आर एम एस बन जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू. तो इन दिस वे वी कैन स्टडी द आर एम एस वैल्यू एंड पीक वैल्यू, द रिलेशन बिटवीन आर एम एस वैल्यू एंड पीक वैल्यू. ओके, इसके बाद हमको एक और वैल्यू का पढ़ने के लिए आता है, उसको बोलते हैं हम एवरेज वैल्यू. ओके, तो यहाँ इसके बाद हमें पढ़ना होता है, बिफोर दैट यू नोट डाउन दिस, पॉज द वीडियो, आई विल वेट फॉर 2-3 सेकेंड्स. ओके बेटा, बन गया. ओके, तो इसके बाद और एक वैल्यू आता है, उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, लेकिन अभी हम उसका स्टडी नहीं करने वाले. ओके, एवरेज वैल्यू हर एक अपना फंक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो एवरेज वैल्यू मतलब क्या, तो अगर आपने साइन फंक्शन दिया तो साइन में क्या है, एक सिंपल है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे. तो ऑन एवरेज, ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है, इंटीग्रेशन के टर्म में उसको हम लिख देते हैं, उसका हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे, वो आता है. ओके, तो एवरेज वैल्यू के लिए ये पूरा कंप्लीट साइकिल, अगर साइकिल में हमने उसका पूरा वैल्यू का ये किया तो यहाँ पे वो पूरा पॉजिटिव है और यहाँ पे पूरा निगेटिव है. सो एवरेज वैल्यू ये जो है इट विल डिपेंड ऑन द साइकिल वी चूज. साइकिल में क्या होता है, कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल के लिए 0 to T लेंगे और T ले लेंगे. हाफ साइकिल होता है, हाफ साइकिल मतलब क्या, 0 to T/2. तो कंप्लीट साइकिल के लिए अपना टाइम T बनेगा, हाफ साइकिल के लिए अपना ये क्या बन जाएगा, T½. तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए लिया तो आपको क्या मिलेगा, इसका पूरा एवरेज, इसका एवरेज. तो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ कोर्स कितना रहेगा, एवरेज विल बी 0. लेकिन उसको ही अगर हम हाफ साइकिल के लिए कंसीडर करेंगे, अगर इसी को हम लेते हैं और इसी को हाफ साइकिल के लिए कंसीडर करते हैं तो इसका एवरेज कहीं पे तो यहाँ आएगा, बराबर बीचों बीच एकदम नहीं आएगा लेकिन कहीं पे तो यहाँ उसका एवरेज आएगा. तो ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू अपन को आके मिलता है इसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल. ओके, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, फॉर्मुलेशन है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, वो जब टाइम आएगा उस टाइम पे आपको मैं बता दूंगा, अभी उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं. तो बेटा इन दिस वे टुडे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरी कॉर्नर अबाउट द अल्टरनेटिंगली वेरिंग क्वांटिटी. समझ गए, तो अभी एक्चुअल में क्या होता है, तो फ्रॉम वेयर इट कम्स, तो देर आर टू टाइप ऑफ करंट्स, देर आर टू टाइप ऑफ करंट्स. ओके, वन इज कॉल्ड एज टाइम डिपेंडेंट और वन इज कॉल्ड एज टाइम इंडिपेंडेंट. तो टाइम इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे, तो उसका हम थोड़ा सा ये करेंगे, स्टडी करेंगे.
टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट के लिए ऐसा क्वांटिटी रहेगा जो टाइम के चलते कुछ उसका चेंज दिखाएगा. तो इट विल चेंज विथ टाइम, इट विल चेंज विथ टाइम. ओके, और अभी हम टाइम इंडिपेंडेंट का सवाल खड़ा कर देते हैं. ये मैंने आपको करंट में भी दिखाया था, टाइम इंडिपेंडेंट. तो इट विल बी एज गुड एज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. तो इन इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इट विल बी केप्ट कॉन्स्टेंट. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो ये जो चीज है यहां पे हम ऐसे, ये जो वेवफॉर्म हमने स्टडी किया, ये आएगा टाइम डिपेंडेंट में आएगा. ये अगर मैंने लिखा, ये भी कहां पे आएगा, टाइम डिपेंडेंट में आएगा. लेकिन ये भी देखो, ये भी कहीं तो भी टाइम डिपेंडेंट में ही आएगा. खाली ये हम अपने एसी के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट में ही आएगा. लेकिन इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा आपका, इस टाइप का ग्राफ, ये पूरा का पूरा टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड डिपेंडिंग ऑन दिस वी कैन कैटेगराइज आवर करंट इंटू टू टाइप्स. वो क्या बनता है? तो पहले बनता है अपना डायरेक्ट करंट और दूसरा बनता है अपना अल्टरनेटिंग करंट. तो यहां पे पहले मैं लिखता हूं डीसी. ओके, डीसी मेरा क्या बनेगा? डीसी मतलब मेरा बनेगा डायरेक्ट करंट. ओके, और दूसरा बनेगा मेरा, उसको बोलूंगा मैं एसी, अल्टरनेट और अल्टरनेटिंग करंट. तो डायरेक्ट करंट कहां से मिलता है आपको? तो डायरेक्ट करंट मिलने का सोर्स है आपका, डायरेक्ट करंट आपको आपकी बैटरी से मिलता है. वी कैन गेट इट फ्रॉम अ सेल, अ बैटरी, है ना, एटसेट्रा. अल्टरनेट करंट कहां से मिलेगा? वी कैन गेट फ्रॉम एसी जनरेटर से जो हम लेते हैं उसको हम बोलेंगे अल्टरनेट करंट. तो डायरेक्ट करंट क्या बन जाएगा? डायरेक्ट करंट वैल्यू इज कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. इसका जो वैल्यू होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स वैल्यू ऑसिलेट्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम. अल्टरनेट का वैल्यू कैसे बनेगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम के बीच में वो ऑसिलेट करेगा. इसका अगर मैंने ग्राफ दिखाया, डायरेक्ट करंट का ग्राफ, तो अभी मैंने बताया था आपको आई एंड इसको टी बोला, तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ हम ऐसे निकाल सकते हैं. मतलब उसका स्लोप है वो जीरो रहेगा, स्लोप जीरो रहेगा, डी आई बाई डी टी भी जीरो रहेगा. तो डी आई बाई डी टी कितना रहेगा इसका? इज इक्वल टू स्लोप, ये कितना रहेगा? जीरो. ये पूरा मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिकल टर्म आपको बता रहा हूँ. ऑन द अदर हैंड वहीं पे अगर इसको बताना है आपको, तो आप इसको, अभी ये जो ग्राफ दिखाया मैंने, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो. तो इट विल ऑसिलेट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम एंड मिनिमम मतलब जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव में पूरा वो घूमता चलेगा. ओके, तो यहाँ पे आई का इक्वेशन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे उसका इक्वेशन बनेगा. आई इज इक्वल टू साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसका इक्वेशन बनेगा. साइन ही लेना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, अपन के लिए
कुछ तो एक बेसिक वन होना चाहिए, इसलिए मैं साइन से आपको दिखाया. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डायरेक्ट करंट, डीसी करंट एंड अल्टरनेट करंट. ओके, सो विल गो फर्दर. ओके, दिस इज वेरी सिंपल, इसका एकदम ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है. सो आई ड्रॉप दिस एंड विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट में बेटा आप लोगों को क्या है वो देखते हैं जरा. ओके, तो अभी हम कंपोनेंट्स कौन से यूज करेंगे. तो अभी पहले इंडिया अगर मैंने इंडिया कंसिडर किया तो इंडिया में रेटिंग कौन सा रहता है, रेटिंग ऑफ एसी वोल्टेज, रेटिंग ऑफ एसी वोल्टेज. मतलब जो अपन को ये प्लग पिन दिया है ना, ये पूरा एसी का प्लग पिन होता है आपका. तो इस प्लग पिन से आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ओके वो मैं आपको बताता हूं. तो पहला इसका सिंबल कैसे दिखाए. ओके, तो यहां से अपन को जो मिलता है एट होम इज एसी वोल्टेज, अपन को क्या मिलता है, परफेक्टली एसी वोल्टेज मिलता है. इसीलिए वो एसी वोल्टेज लेके हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं और अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर. उसमें छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, जो मैंने कल आपको बताया, कल मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर होता है उसमें. तो ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर होता है, जिनर डायोड होता है, LM317 IC होता है, उसको बोलते हैं हीट सिंक. ये सब पूरा करके उसको एक छोटा सा एक डिब्बे में उसको भर देते हैं और उस डिब्बे को हम बोलते हैं मोबाइल चार्जर. अपना टीवी सेट है, टीवी सेट तो डीसी पे वर्क करता है, लेकिन अपने पास तो कौन सा है, एसी है. तो वो भी एसी लेते हैं, ट्रांसफार्मर रखते हैं, अपन को जितना वोल्टेज चाहिए वो एसी टू एसी में कन्वर्ट करता है, खाली ऊपर नीचे, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन करके देता है. आफ्टर दैट वी टेक दैट वोल्टेज, देन वी रेक्टिफाई इट. इसके बाद में आपको पार्ट टू में इलेक्ट्रॉनिक्स जब होगा, इन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स वी विल लर्न मोर अबाउट द रेक्टिफायर्स. ओके, इन दिस वे इन इंडिया वी यूज मेन्स सप्लाई. इसको बोलते हैं मेन्स, इसको बोलते हैं मेन्स सप्लाई. इसी को ही बोलते हैं, और इसी को ही बोलते हैं एसी मेन्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी. एक्चुअली आप साइंस के बच्चे हो तो, और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स. इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो होता है, तीन होता है, एक होता है फेज, मतलब जहां से एक्चुअल आपका करंट घूमने लगे उसको बोलते हैं फेज. दूसरा होता है न्यूट्रल, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये भागेगा उसको बोलते हैं न्यूट्रल. और तीसरा होता है, उसको बोलते हैं अर्थ. अर्थिंग तो आपने डीसी में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में पढ़ा है, तो वही कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करके पूरा अपने घर के लिए, पूरा जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके लिए एक अर्थिंग का जरूरत होता है, उसको बोलते हैं अर्थ. तो ये अर्थ यहाँ पे होता है. ओके, अर्थिंग प्रॉपर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं थ्री पिन. टू पिन से ज्यादा अपना थ्री पिन बेहतर होता है. तो आपको मार्केट में जब कभी भी डिस्क्लेमर है ये के आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, लेकिन अभी चाइनीज जो प्रोडक्ट आते हैं वहां पे आपको दिखाते हैं तीन पिन दिखते हैं, लेकिन कभी कभार अभी आपका अगर ले लो से आपका कुछ म्यूजिक प्लेयर है उसको थ्री पिन दिया है, तो वो खराब होने के बाद, हाँ लेट मी रिपीट, खराब होने के बाद उसको काट के देखो तो ऊपर का दिखाते हैं ना, वो खाली उसको अंदर डालने के लिए, उसका सपोर्ट के लिए दिया हुआ है. बहुत से थ्री पिन इंस्ट्रूमेंट को दिया है, ऊपर का ऐसे ही देते हैं. तो कुछ ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ही वो जो ऊपर का पिन होता है ये यहाँ पे उसको कनेक्शन दिया हुआ रहता है, मतलब उसको सेपरेट अर्थिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल योर इस्त्री आयरनिंग, नेक्स्ट योर रेफ्रिजरेटर कंपल्सरी अर्थिंग मस्ट बी, मिक्सर कंपल्सरी, एसी कंपल्सरी अर्थिंग, टीवी टेलीविजन सेट कंपल्सरी यू मस्ट हैव गुड प्रॉपर अर्थिंग. तो वो इसके लिए थ्री पिन का प्लग आप यूज करते हो. अगर आपका मोबाइल चार्जर है
तो उसको टू पिन चल सकता है, थ्री पिन होगा तो दैट इज वेल एंड गुड, बेटर, ओके। तो ऐसे होता है। अब ये रेटिंग कैसे देते हैं, तो एसी मेंस का वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। रेटिंग कैसे होता है उसका, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। ये 230 वोल्ट है, ये है अपना पीक वैल्यू और समवेयर आरएमएस वैल्यू भी उसको बोलते हैं, और 50 हर्ट्स इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस। इसका मतलब है जो आपका वेव चलेगा इट विल ऑसिलेट, इट मींस वोल्टेज और करंट विल ऑसिलेट कितना टाइम, 50 टाइम्स इन 1 सेकंड। वो कितने टाइम में ऑसिलेट हो जाएगा, 50 बार 1 सेकंड में, 1 सेकंड 50 बार वो ऑसिलेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक उसमें आप झिनझिनाहट महसूस करते हैं, वो इसके चलते हैं। तो दिस इज द परफेक्ट सेट ऑफ असेंबली इन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी और द इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन इंडिया। अगर आप फॉरेन में जाओगे, फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे ये फ्रीक्वेंसी होता है, इससे भी ज्यादा होता है, इससे फास्ट होता है, वहां पे कितना होता है, 60 वोल्ट होता है, 60 हर्ट्ज होता है और 440 का होता है, 440 वोल्ट। तो इससे दुगना वोल्टेज, दुगना और अपना एसी का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज्यादा। तो इसीलिए अपना अगर कुछ सेट है, अपना सेट है तो उसका जो पावर का पिन है यही सेट में विदेश में लेके गया, हाँ अमेरिका में लेके गया, तो वहां पे वो सेट चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि खराब हो जाएगा वो, क्योंकि वो तो उसको एग्जैक्टली डेवलप किया है कैसे चलने के लिए, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। उसका करंट रेटिंग भी होता है, कितना करंट वो मैक्सिमम सह सकता है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज सह सकता है। तो ऐसा ग्लोबली आप डिसाइड करोगे तो अपने इंडिया में हम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का हम लेते हैं। नाउ इसके बाद में हम जाएंगे अपने कॉम्पोनेंट्स, ओके, कॉम्पोनेंट्स टू स्टडी। तो यहां पे कौन कौन से कॉम्पोनेंट स्टडी करेंगे, पहले स्टडी करेंगे रेजिस्टर। तो रेजिस्टर एसी में कैसे बिहेव करता है, अगर एसी रेजिस्टर को लगाया, रेजिस्टर को एसी लगाया तो अपना रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है, क्या आउटपुट देता है, वो हम स्टडी करेंगे। सेकेंडली हम करेंगे इंडक्टर, रेजिस्टर बन गया बाद में बनेगा अपना इंडक्टर। तो जो मैंने आपको सोलेनाइड वगैरह उसके बारे में बताया, तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने पिछले टॉपिक में सीखा। तो ये एल कैसे बिहेव करेगा, इसको अगर मैंने एसी अप्लाई किया तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इट्स करंट, व्हाट विल बी द इंपैक्ट्स, हाउ इट विल रेजिस्ट द करंट, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये पूरा जानकारी यहाँ पे मिलेगा। और तीसरी बात है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो अगर मैंने एसी कैपेसिटर को अगर मैंने अप्लाई किया तो क्या क्या बच जाएगा। एंड इसके बाद सम पॉपुलर कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है आपका वो देखेंगे। तो एक बनेगा एलआर सर्किट में क्या आ जाएगा आपका, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, ये इकट्ठा आ जाएगा। दूसरा उसको बोलते हैं सीआर सर्किट, यहाँ पे आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ये आएगा, ओके। तीसरा आता है एलसी सर्किट, एकदम सिंपल है ये, इसमें कुछ एकदम इजी, आई विल सजेस्ट दैट इट इज द इजीएस्ट टॉपिक
आउट ऑफ योर ऑल टॉपिक्स, ओके, खाली उसको ठीक से पढ़ा तो आपका, तो मैंने हर कॉम्बिनेशन को लिया, आर एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी सर्किट, ओके, हो गया। इसके बाद में और एक कॉम्बिनेशन आता है, इसके बाद में और एक कॉम्बिनेशन आता है, इसको बोलते हैं एल सी आर सर्किट, इसको क्या बोलते हैं एल सी आर, तो यहाँ पे तीनों को ज्वाइन करेंगे एल सी एंड आर, तो एक कंबाइन इफेक्ट क्या देते हैं, एंड ये इफेक्ट यूज करके, ये पूरा इफेक्ट यूज करके अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनाया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीज पे डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली नहीं है लेकिन अपने जो सब कॉम्पोनेंट से, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम सब डिजिटल यूज करते हैं लेकिन पहले जो आता था, पहले टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें ग्राफिक इक्विलाइजर होता था, क्या होता था ग्राफिक इक्विलाइजर, तो जो अपना साउंड वगैरह एडजस्ट करते हैं, बास, मिड, ट्रिबल, चिल्लर होता ना चिल्लर, नंतर घुमा म्हणतात त्याला, बास म्हणजे ड्रम वगैरेचा आवाज असेल, लाइक दॅट, सो वो जो करते थे, इसमें अपना सी आर सर्किट, आर सी सर्किट, आर सी नेटवर्क यूज करते हैं, तो कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर, सो इन दिस वे वी हॅव टू स्टडी दिस कॉम्पोनंट्स, सो डिपेंडिंग ऑन ईच कॉम्पोनंट हॅज इट्स ओन इम्पॉर्टन्स, हॅज इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, अँड वी विल स्टडी बोथ वेवफॉर्म स्टडी अँड द फेजॉर स्टडी ऑफ ईच कॉम्पोनंट, तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है, तो इसमें आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट मैथ्स आपको याद में रखना है वो भी आपको मैं लिख के रखता हूँ, इम्पोर्टेंट मैथ्स, ओके, सो नंबर वन, रेफर माय नोट्स फॉर ऑसिलेशंस, लास्ट पार्ट, ऑसिलेशन के लास्ट पार्ट में हमने वो सीखा था, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, वेव्स के मतलब मैंने क्या बोला था, इंटरफेरेंस, फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस आपको मैंने पढ़ाया था, ओके, और सुपरपोजिशन भी आपको पढ़ाया था, सुपरपोजिशन, तो वो आपको ठीक से देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ये साइनसोइडली ऑसिलेटिंग है, तो यहाँ पे आपको कल किन चीजों का पता करके आना चाहिए, साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, हो गया कॉस ए प्लस माइनस बी, आपको आता है मेरे को मालूम है लेकिन मेरा ड्यूटी है इसलिए मैं बताऊं, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, एंड आपको अलाइड एंगल ज्योमेट्री उसका भी ख्याल करना पड़ेगा, मतलब साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, वो सब क्या आता है और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ये आपको कल के लेक्चर के पहले आपको करना पड़ेगा, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी यू मे फील फ्री टू आस्क मी अबाउट दैट, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फॉर द मेजर टेस्ट, so stay home, stay safe, stay tuned with physics, thank you, thanks a lot, bye bye.